के लिए आज रिकॉर्डिंग, ईशा के लिए. ओके चलो. सो पोरिन चैनल है ना, पोरिन क्या है, पोरिन ज्यादा प्रोटीन. ओके फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड में क्या डिफरेंस है, बोथ आर पैसिव डिफ्यूजन. ओके बोथ आर पैसिव, दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी. ओके एंड बोथ ऑफ देम फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन में. ओके अभी सिंपल में क्या है, सीधा सीधा निकल जाता है वो हायर टू लोअर. जैसे हम लोगों ने ये लगाया इसेंस स्टिक भगवान के पास लगाते हैं, या शरबत बनाया है ना, तो उसमें फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन द इट मिक्सेस थ्रू आउट द वॉटर, सोल्यूशन में पूरा मिक्स होता है सोल्यूट. तो उसको कोई जरूरत नहीं है किसी मेडिएटर की, वो पूरा अपने हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे निकल आता है. फैसिलिटेटेड में क्या होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, हमने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में देखा कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ऊपर हाइड्रोफिलिक है, नीचे हाइड्रोफोबिक है. तो हाइड्रोफोबिक है इसलिए वो जाने नहीं देता है किसको, वाटर सोल्यूबल मटेरियल, जैसे FSH हार्मोन का एग्जाम्पल दिया. ओके तो वो जाने नहीं देता है, तो उसको फिर लगते हैं चैनल रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे होता है ना. तो दीज आर द पोरिन जो चैनल बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन है दे फॉर्म द पोरिन चैनल. ओके और वो पोरिन चैनल के थ्रू फिर वो जो मटेरियल अंदर जाना है वो निकल जाएगा. अभी एक्वापोरिन क्या है, कि एक्वापोरिन सी ऑन सम मेम्ब्रेन देर आर द चैनल, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल, वन ऑफ विच इज अ एग्जाम्पल इज एक्वापोरिन. एक्वा इज अ वॉटर, पोरिन इज अ पोरिन चैनल, प्रोटीन चैनल, एंड दे आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन. 8 डिफरेंट टाइप, ये पोरिन चैनल जो है वो एक्वापोरिन है जो वॉटर मॉलिक्यूल को लेके जाएगा, सो एक्वापोरिन. एंड उसमें होते 8 टाइप के डिफरेंट पोरिन, एंड सो इट इज अ एक्वापोरिन जो वॉटर को लेके जाएगा. So, aquaporin. ये कहाँ पे है, ऑन सम मेम्ब्रेन. हाँ सो लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया. ओके सो दैट इज एक्वापोरिन, गेटिंग इट. ओके चलो नाउ टूडेज टॉपिक. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओपन पेज नंबर 177 NCERT. So passive, this is a passive transport only when the two molecules are moving together. So unka movement kaisa hai? See, some carrier are transport protein allow diffusion only if two types of molecule move together. NCERT. If only two types of molecules are moving together, to wo kaise? Matlab do hi chahiye. Unka transport hone ke liye wo do ek saath chahiye. To wo kaise? See, so the first is a uniport. If the मॉलिक्यूल इज मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल अंदर जाएगा. यूनि इज अ सिंगल, पोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट. सो एक ही मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, सो इट इज अ यूनिपोर्ट. सी द डायग्राम 11.2. यूनिपोर्ट कैरियर प्रोटीन है, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एंड फिर एक ही मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, सो इट इज अ यूनिपोर्ट. सी हियर, वन मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर जाए, सो इट इज अ यूनिपोर्ट. ओके द सेकेंड इज अ कोट्रांसपोर्ट. कोट्रांसपोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल, इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टूगेदर, सो दैट इज अ कोट्रांसपोर्ट. सम कैरियर आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टूगेदर. सो इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज सिंपोर्ट एंड इट इज एंटीपोर्ट. एक ही मॉलिक्यूल जाए. अभी सिंपोर्ट द नेम इंडिकेट कि दोनों को साथ में जाना है, मेरी फ्रेंड गई तो ही मैं जाऊंगी, दैट टाइप सिंपोर्ट को ट्रांसपोर्ट. मेरी फ्रेंड वो क्लास में जा रही है इसलिए मुझे वही जाना है, सिंपोर्ट है ना. सिम्बायोसिस ध्यान में रखो, म्यूचुअल रिलेशनशिप. सो सिम के नाम में सिम्पोर्ट है, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जाएंगे. सी द डायग्राम, सिम्पोर्ट ए एंड बी दोनों साथ में जा रहे हैं. सी बोथ द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टूगेदर, सो इट इज अ सिम्पोर्ट. इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम इज अ
same time is a symport. Getting it? And antipode opposite. So जैसे हमने सोडियम पोटेशियम पंप देखा है ना, सोडियम कितने सोडियम अंदर और कितने सोडियम पोटेशियम बाहर, कितने यहाँ पे कैल्शियम दिखा है, बट वी हैव सीन द सोडियम पोटेशियम एंड उसको हमने नो किया, थ्री कौन बाहर, हाँ इज अ एंटीपोल. डिफरेंट भी हो सकता है ना. सो ए अभी एंटीपोड में क्या होता है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, सो इट इज एंटीपोड. ओके एंड दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम योर एनसीईआरटी. यूनिपोर्ट एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, एंटीपोर्ट एक जाएगा तो साइमल्टेनियसली दूसरा बाहर आएगा, सिमपोर्ट में दोनों साथ में जाएंगे. कैरियर होता ही है अगर फैसिलिटेटेड करना है, फैसिलिटेट करना है उसको, अंदर भेजना है, फैसिलिटेट करना है. तुम्हारे फैसिलिटेशन सेंटर रहेंगे, सीईटी का एडमिशन होता है तब वहां पे जाके तुमको अपने फॉर्म वगैरह सबमिट, सो दैट इज अ फैसिलिटेशन सेंटर फॉर यू. तो वो है तो ही तुम्हारा फॉर्म अंदर जाएगा. ओके सो दैट इज अ मेथड ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सिमपोर्ट two molecule cross the membrane in the same direction at the same time, right? Antipode two molecule move in opposite direction at the same time, ek andar ek bahar. And unipode only single molecule is moving across the membrane is a unipode. Clear? Okay, so that was a this simple diffusion and facilitated diffusion is when there is a short distance transport. What is a short distance transport? Okay. Now the active transport. Now active, that means it will require ATP. That is needing ATP is active. So abhi ye to as per the concentration gradient हो गया, against the concentration gradient, against the concept, मतलब वो lower से higher भी जा सकता है by using the ATP molecule. Okay, keep writing or simultaneously. हाँ लिखो, मैं highlight करूँ. Against the concentration gradient. So active transport also carried out by special membrane protein. Facilitated mein towards the concentration, from higher to lower concentration. Ikde tasa nahi. Haan, ikde from lower concentration to higher. But dogan madhe protein channel asta. Facilitated and active. So active transport uses energy pump molecule against a concentration gradient. Against manje from low to high. Okay, so this way, ikde low ahe, ikde high ahe, tari pan potassium is going inside from their lower to higher concentration using the ATP molecule. Karta animation baga. Okay. Okay, chalo. Different proteins in the membrane play a major role in both active and passive transport. Doghankade te carrier proteins ahet. Pumps are protein that use energy to carry out substance across the cell membrane. Ithe te energy use karta, facilitated madhe te energy use karat nahi. From low to higher concentration. Okay. So from low to higher concentration is a uphill transport, very important word for me. Likho, uphill transport diya hoga. Yes, and highlight in your NCERT. Diya hai. Dikh raha hai? Active transport mein highlight karo. From low to higher concentration, that is uphill.
यस यस ट्रांसपोर्ट रेट रिचेस जस काल अपन फैसिलिटेटेड मध्य ग्राफ बघितला ट्रांसपोर्ट रेट विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड मेम्ब्रेन वर खूब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स है पोरिन चैनल्स है खूब सारे पण ह्याच्यातले जर दोनच यूज केले तर मग तेवढं कमी जाणार ना आणि ह्याच्यातले सगळेच जर यूज केले तर देन इट विल अटेन द सैचुरेशन Like enzyme, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane. म्हणजे जसं आपण हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मध्ये बघितलं प्रत्येक हार्मोनचा रिसेप्टर हा वेगळा वेगळा आणि म्हणून त्याचे टार्गेट सेल हे वेगळे वेगळे म्हणून जसं आपण म्हटलं कोरोना इज अटॅकिंग टू रिस्पिरेटरी ओनली बिकॉज दे हॅव देअर कॅरियर देअर एच आय व्ही टू टी फोर सेल बिकॉज दे हॅव द कॅरियर ऑन टी फोर सेल ते त्यांना घेऊन जाणार आहे सो They are very specific. These proteins are sensitive to inhibitor that react with protein side chain. Inhibit jasa facilitated madhe pan apan baghitla ki if you are putting inhibitor. Ma apan kay kartoy HIV ta apan purna kill karu shakat nahi because the smart virus that's a mode of replication vegra hai. Mag tya receptor la inhibit karun lagta. Manje there are the medication which will inhibit the receptor. आणि म्हणून मग तो एच आय व्ही त्या रिसेप्टरला एक बार वो अंदर गया कि अंदर रहता बिकॉज ऑफ द स्मार्टर मेकॅनिझम ऑफ रेप्लिकेशन बिकॉज ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट हैज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो वो ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर देता है सो और बाकी आगे का उसका जो मेकॅनिझम है उसकी वजह से वी कैन नॉट किल इट कम्प्लीटली एक बार बॉडी में गया तो वो बॉडी में रहेगा ही क्योंकि वो ऑलरेडी कोई वायरस अंदर जा चुका होगा ना सेल के अंदर सपोजिंग यहाँ पे 10 सेल है टी फोर है अभी मुझे कभी समझेगा मेरे बॉडी में एच आई वी गया जब कोई सिम्टम आएगा ना बिल्कुल सिम्टम नहीं तो ऐसे है क्या मैं एच आई वी पॉजिटिव हूँ नहीं ना तो मुझे कोई सिम्टम आएगा कंसिस्टेंट फीवर आता है वेट लॉस बहुत फटाफट वेट लॉस होता है फिर काफी सारे टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स फिर कुछ नहीं आ रहा है फिर चलो अभी एच आई वी भी टेस्ट करो एच आई वी बोला कि पेशेंट डर जाता है ना कि अरे मुझे एच आई वी टेस्ट करो फिर उसमें कब समझेगा तब तक तो इधर इसका जो डीएनए है सेल का ये मेरा टी फोर सेल है इसका जो डीएनए उसके साथ वायरल डीएनए तो कंबाइन हो गया है ना वायरल जेनेटिक इसके साथ कंबाइन हो गया है तो उसको नहीं निकाल सकेंगे लेकिन बाकी जो सेल बचे दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म बाकी सेल बचे उसके रिसेप्टर को ही इनहिबिटर डाल दो नहीं कैसे क्या डालेंगे है ही नहीं तो वो रिसेप्टर एक्टिव ही नहीं हो रहा है ना नहीं अभी तक तो ऐसा कोई रिसर्च नहीं है ओके तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज अ चार्ट गिवन इन योर एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइट करो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है लिखो नेक्स्ट स्टेज जब होगा तो पढ़ के आना यस सेम चार्ट दिया है ना सेम चार्ट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन नो चलो अभी मैं ये बंद कर दो बुक तुमको क्या समझा है देख लो चलो मैं अभी ये हटा देती हूँ चलो बोलो सिंपल डिफ्यूजन रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन नो फैसिलिटेटेड में यस एंड यस ओके नेक्स्ट पॉइंट हाईली सिलेक्टिव नो सिलेक्टिव मतलब वो सिलेक्टिव मटेरियल जब अंदर लेके जाना है तो वो एक्टिव होगा चलो नेक्स्ट पॉइंट आई यहाँ ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स नो कोई भी जा सकता है बिकॉज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर टिल द इक्विलिब्रियम कम्स है ना यस यस नो
नो एनर्जी नहीं हाँ अपील म्हणजे एनर्जी लागणार अपील म्हणजे एटीपी यूज होणार हाँ लो टू हायर सो अपील नहीं होते आणि येस नो नो इजी अभी समझा तो इजी है हफ्ते भर के बाद होगा ना नहीं तो फिर प्लांट फिजियोलॉजी एक साथ अभी हो गया एग्जाम कभी देना है एक साल है तो इसीलिए आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग द थ्रू द टेस्ट नहीं क्या करो माइलस्टोन में जाके सीधा बोल दो सर मैं पीसी दूंगी अगर तुमको बायो वहां पे नहीं हो रहा है तो सीधा बोलो सर सिर्फ पीसी का मैं फोकस करूंगी ठीक है ठीक है वैसे करो और क्वेश्चन तुमको फैमिलियर होते जाएंगे फिर वेरी वेरी हाँ ना कुछ नहीं पढ़ाता चलो ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है इसमें सांगितलेले क्लियर आता हा जो आहे ना खूप कॉन्सन्ट्रेशनने ऐका किती डोक्यात घुसेल मला माहित नाही पण बघा राईट उसके आगे वॉटर पोटेंशियल है यू ये कर लिया तुमने टॉपिक नहीं चलो अभी ठीक है प्लांट वॉटर रिलेशंस ओके एनसीईआरटी प्लांट का और वॉटर का रिलेशन कैसा है बहुत अच्छा है एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते सो वॉटर इज इसेंशियल फॉर एवरी वन वी आर लिविंग बिकॉज हमारे पास पानी है अदरवाइज वी आर डेड ओके सो ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट प्रोवाइड्स अ मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड ये सब ब्ला ब्ला पता है तुमको हर्बेशियस प्लांट हैव ओनली 10-15% ऑफ देयर फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर क्या समझा वेट मास मतलब पानी को पकड़ के कळलं ड्राय म्हणजे ड्राय ज्याच्यामध्ये पाणी नाहीये तर मग याचा ड्राय किती आहे फक्त 10-15% बाकी काय आहे बाकी सगळं वॉटर येस येस सो हर्बेशियस कळत सगळी हर्ब्स आता मराठीत काय म्हणतात मला माहित नाही वॉटरमेलन कंटेन्स ओवर 92% वॉटर वेट रिडक्शन का सबसे इजी तरीका पोट भरोस पर्यंत वॉटरमेलन खा आलेत ना ऑलरेडी इसीलिए तो जिसको वेट रिड्यूस करना है वही तो मैंने बोला वो एक टाइम सिर्फ वॉटरमेलन ही खाता रहे एक टाइम प्रॉपर डाइट करे लंच ले या डिनर ले
बाकी पूरा दिन पानी वाटरमेलन ही खाता है। यस, तो ये एक उसमें। ओके, वुडी प्लांट्स हैव रिलेटिवली लिटिल वाटर, सॉफ्ट पार्ट्स मोस्टली कंटेन वाटर, राइट? प्लांट में भी इट वैरीज। ये पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी बोल रही हूँ मैं, और इसपे क्वेश्चंस आते हैं कितना परसेंट पानी वाटरमेलन में होता है, इतना सिंपल। तो 90, 91, 92, 93, तो अभी 93 भी होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने 92 बोला है ना, तो अपने को 92 याद रखना। सब लाइन एनसीईआरटी है। हाँ ईशा गार्गी, सगा एनसीईआरटी, सो यू कैन रेफर। एसिड में अपीयर ड्राई बट स्टिल हैज वाटर, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड एस्पायरिंग। आपण भिजवतो ना घरी, चणे भिजवतो, राजमा भिजवतो, त्याच्यामध्ये लिटिल वॉटर कंटेंट आहे, म्हणून तो एम्ब्रियो लगेच ऍक्टिवेट होतो भिजवलं की। पण मग तो एम्ब्रियो मरत नाही ना, हो ना, पण त्याच्यामध्ये थोडस पाणी आहे, म्हणून त्या एम्ब्रियोला त्याने डॉमिनंट, डॉर्मंट, नॉट डॉमिनंट, डॉर्मंट स्टेज मध्ये टाकून ठेवले, नसतं ते मेलं असत। कारण तुम्ही ती सीड भिजवली की त्याच्यातनं स्प्राउटिंग येतं, स्प्राउट्स आपण खातो, आणि त्याला जर सो केलं तर झाड येईल छान, बिकॉज द एम्ब्रियो इज लिव्हिंग। टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉटर डेली। ओके, एंड मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हम बाद में डिटेल इसका भी करने वाले हैं। यस, सब एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब हाउ मच लीटर ऑफ वॉटर डेली, बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। अ मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब इक्वल ऑफ टू इट्स ओन अबाउट ओन वेट इन 5 hours। तो ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, तुमको 360 मार्क्स मिल सकते हैं, बिलीव मी, रीड एनसीईआरटी। गुड, ओके, because of high demand for water it is not surprising that water is often limiting factor ka pada tha, yes, so limiting factor matlab jo factor deciding, yes, wo decide karega rate ko, kam hai lekin important ho jata hai, so it is often a limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environment। अभी मुझे ना समर डेज में प्लांट सिखाना बहुत अच्छा लगता है, सो आई इमेजिन ग्रीनरी अराउंड मी एंड आई फील एकदम, दैट इज लकीली वो आ जाता है यहीं पे समर में, ठीक है। अभी ये फोटो देख के बहुत मतलब कूल फील हो रहा है, इसे लग रहा है कि मैं ही हूं आपको। चलो, ओके, वाटर पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं समझा तो सीधा नहीं बोलने का, समझा तो ही समझा बोलने का। साई, यस, वॉटर पोटेंशियल इज अ कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वॉटर मूवमेंट। वॉटर का पोटेंशियल क्या है, मतलब अभी उसका पोटेंशियल मतलब क्या, उसको मूव होने के लिए उसका पोटेंशियल है कि नहीं, अभी वहां पे हाईलाइट करो, लेकिन समझ क्या रहा है वो देखो। ये टॉपिक में इतना ही डिफिकल्ट है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। वॉटर पोटेंशियल, डीपीडी, साई एस, साई पी, यही डिफिकल्ट है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, एकदम इजी, समझ रहा है। वॉटर पोटेंशियल मतलब
वॉटर का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब वो कहां से कहां मूव होगा और किस हालत में मूव होने वाला है. सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर द मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द वॉटर पोटेंशियल. उसमें अगर मैंने सोल्यूट डाल दिया तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना पोटेंशियल वॉटर का. तुम्हारा इतना पोटेंशियल है कि तुम 360 मार्क्स लेके आ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास मोबाइल दे दिया विथ अनलिमिटेड इंटरनेट, गुड, तो पोटेंशियल कम हो गया. हो गया ना सेम, गुड गुड. यस ओके, सो दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट एंड प्रेशर पोटेंशियल. कैसे हम देखते हैं, द मेन कॉम्पोनेंट दैट डिटरमाइन द वॉटर पोटेंशियल. समझा, तो वॉटर में काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक मतलब काइनेटिक गाड़ी आती थी पता है ना, मतलब उसका मूवमेंट. तो वॉटर में भी वो मूवमेंट वाला कैपेसिटी है, सो उसका पोटेंशियल. यस, सो वॉटर मॉलिक्यूल पजेस काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट. गेटिंग दिस? सो अभी मुझे बोलो, प्योर वॉटर मैंने लिया और सोल्यूशन लिया, तो पोटेंशियल, सोल्यूशन मतलब उसमें सॉल्वेंट इज वॉटर, तो पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? सो वॉटर पोटेंशियल, अभी तो मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में इसका काफी डिटेल होगा. देखते भी 5:30 बजे तक क्लास है. ये यहाँ पे वॉटर पोटेंशियल, नहीं जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा मूवमेंट है, लेकिन उसको सॉ या कुछ सोल्यूट डाल के उसका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है. एग्जैक्टली, तो प्योर वॉटर, हेंस द प्योर वॉटर इज हैविंग द हाईएस्ट वॉटर पोटेंशियल. ओके, प्योर वॉटर इज हैविंग द हाइएस्ट वॉटर पोटेंशियल. ये क्लियर हो रहा है? सो वॉटर पोटेंशियल का फॉर्मूला इज साई एस सोल्यूट पोटेंशियल एंड दिस इज अ प्रेशर पोटेंशियल. साई इज फॉर पोटेंशियल. समझो, इस पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्लियर? So it is obvious that pure water will have the greatest water potential. अभी greatest क्या वो देखेंगे? What value is the greatest value? No, अभी नहीं बोलूंगी, बाद में बोलूंगी. ठीक है? Clear है यहाँ तक? चलो ये क्या समझ रहा है देखो, इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वॉटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द सिस्टम. दस वॉटर विल मूव फ्रॉम हायर वॉटर पोटेंशियल टू लोअर वॉटर पोटेंशियल. ये एग्रीड है? डिफ्यूजन हो रहा है वॉटर का फ्रॉम हायर टू लोअर. म्हणजे कसं, समजा मी प्युअर वॉटर घेतलं इकडे आणि इकडे 5 molar सोल्युशन घेतलं, तर वॉटर कहां से कहां मूव होगा? दिस डायरेक्शन, दॅट इज व्हॉट इज दिस सेंटेन्स इज सेइंग. क्लिअर ना? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टन्स डाऊन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज अ डिफ्यूजन.
हाँ आता ह्याच्यावर पण क्वेश्चन्स येतात. सो वॉटर पोटेन्शियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिम्बॉल. सो व्हॉट इज अ सिम्बॉल इज अ ग्रीक सिम्बॉल. क्या सिम्बॉल साय और इट इज अ साय डब्ल्यू. इट इज एक्सप्रेस्ड इन पास्कल. हे हाईलाइट करा, एनसीईआरटी ने दिया है. दिस इज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी. ये टॉपिक एनसीईआरटी भी रटो ना तो हो जाएगा. हाँ बट बाकी लोगों को तो थोड़ा, बाकी टॉपिक को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है. इसको ब्लाइंड एनसीईआरटी. हाँ आगे है ना समझना. ओके बाय कन्वेंशन द वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वॉटर आ गया. हाँ देखो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो. कधी जीरो असेल? नो प्रेशर. म्हणजे काय प्रेशर? ऍटमॉस्फेरिक. आपला ऍटमॉस्फेअर नॉट झिरो. किती आहे आपला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर? 760/11. एंड द स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? एसटीपी क्या होगा ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना? हाँ ओके हाइएस्ट वॉटर पोटेंशियल इज जीरो. दैट हाइएस्ट वॉटर पोटेंशियल इज ऑफ प्योर वॉटर. हाँ तो अभी वॉटर प्योर वॉटर, प्योर वॉटर है जिसमें कुछ नहीं है बाकी, तो उसका पोटेंशियल इज जीरो. मतलब वो हाइएस्ट ओनली प्योर वॉटर एग्जिस्ट ऑब्वियसली इन बायोलॉजी के लैंग्वेज में. अभी मैंने उसमें डाल दिया सॉल्ट, तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि जीरो इज, हाँ तो माइनस वॉटर पोटेंशियल मतलब कम नहीं. हाँ अभी जीरो से ऊपर जाएगा तो उसको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर. अभी ये अपना नॉर्मल प्रेशर पे इट इज जीरो. अभी मैं उसको प्रेशर डालती हूं तो पॉजिटिव में जाएगा ना वो, बट प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस मैंने प्रेशर डाला, फिर पॉजिटिव में जाएगा. हाँ तो वो अभी एक्सेप्शनल केस है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. अभी तुम सिर्फ जीरो और निगेटिव इतने दो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. हाँ अभी समझने लगा क्या? ये समझा? हाँ तो अभी फिलहाल उसको साइड में रखो. अभी तुमने पॉजिटिव का निकाला इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे प्रेशर लिखा है. क्या लिखा है? विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है. चलो अभी देखो. इफ सम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वॉटर द सोल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स. ओके एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर डिक्रीजेस रिड्यूसिंग इट्स वॉटर पोटेंशियल. जो हमने बोला उसमें मैंने सोल्यूट डाल दिया, तो सपोजिंग NaCl डाला तो सम वॉटर मॉलिक्यूल विल बी इन्वॉल्व इन एंगेजिंग टू NaCl. उसको डिजोल्व कर रहे तो कुछ वॉटर मॉलिक्यूल उसके साथ चले गए,
पोटेंशियल कम हो गया ना उसका, तो वही होता है ना डिस्ट्रैक्शन, तो वाटर डिस्ट्रैक्ट हो गया है कि नहीं, तो उसका पोटेंशियल कम हो गया. Hence, all solution have a lower water potential than pure water. This is again important. Highlight. Second, third parameter. देखो, if some solute is dissolved, the solution has Meena. अभी सोल्यूट पोटेंशियल समझा. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल. देखो अभी ये प्योर वाटर है, कंसिडर दिस इज अ प्योर वाटर. इसमें मैंने 10 डाले सोल्यूट, पांच, चलो पांच 10 ड्रॉ करने पड़ेंगे, पांच मैंने सोल्यूट डाले, तो पांच क्या बन गया? सोल्यूट पोटेंशियल. यस, बट इट इज अ नेगेटिव. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल, सो इट इज -5. इट इज लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल. In when you are counting water potential, Gautam kalta ka solute potential nahi aala na dokyat ajun, ne attas kar clear tyachyavar problem sodvaiche. Homework biostatistics. देखो यस, साई एस इज ऑलवेज निगेटिव. एग्रीड और डिसएग्री? एग्रीड ना. एग्रीड मतलब समझ के एग्रीड, या एनसीईआरटी बोल रहा है इसलिए एग्रीड. प्रेशर को भूलो, नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर. क्वेश्चन पेपर में आ सकता क्या इफ यू ऐड एक्सपेरिमेंट? हो सकता है ना. हाँ देखो इधर लिखा है, इफ अ प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड इन दिस केस इट विल गो इनटू पॉजिटिव. एग्रीड क्या? नहीं. अगर ऐड किया प्रेशर तो ये, the more the solute molecule, the lower, more negative is psi s. समझा ना? So water potential is equal to solute potential. So if supposing I am saying कि water potential अभी -5 हो गया, तो वो solute potential भी है, क्योंकि -5 क्यों हुआ? 5 molecule उसमें solute के डाले ना. हाँ, तो 100 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, अभी वो 95 बचे, पांच ये पांच के साथ निकल गए. हाँ, तो वाटर पोटेंशियल माइनस हुआ, मतलब जीरो से कम हुआ. समझ रहा है ना? सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ तो ओके.
हाँ हाँ देखो प्रेशर कैन बिल्ड अप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन causing a pressure to build up against the cell wall. This makes cell turgid. Turgid cell, समझ में आ रहा है? Turgid मतलब उसमें water maximum है. हाँ. घरात तुळशी आहे का? तुळशीवर लगेच कळतं ते सेल फ्लॅसिड होऊन जाते. हाँ. त्यांना पाणी टाका एक दिवस पाणी नका ते समर डेज मध्ये ते परत त्यांच्या नॉर्मल पोझिशन टर्जिड अटेंड करतात टर्जिडिटी आपली सेल बस्ट होते हे आहे ना हा The magnitude of increment in water potential in such turgid cell is called as pressure potential. नहीं मुझे नहीं पता मैं इसमें से पढ़ लू Can you think any system in our body where pressure, if pressure is greater than applied to pure, its potential is है ना लास्ट लाइन देखो लास्ट लाइन पढ़ो देखो ये है वॉटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल अभी प्रेशर कुछ नहीं है मतलब मैं जीरो करती हूँ प्रेशर यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐसे जीरो तो नो प्रेशर इज अप्लाई अभी मैंने उसमें सोल्यूट ऐड किया -5 तो -5 हुआ अभी मैंने इस पे +1 का प्रेशर अप्लाई किया मतलब वाटर पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ बढ़ा ना +2 किया हाँ हाँ वो देखते ना बाद में अभी ये समझो पहले द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीमेंट इन वॉटर पोटेंशियल इन सच अ टर्जिड सेल इज कॉल्ड एज अ प्रेशर पोटेंशियल ये समझ रहा है तो मैं अगर इसको प्रेशर भी इक्वल कर दू सॉलिड पोटेंशियल के इतना +5 तो वॉटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो लाइक अ लीनर राजा लीला नहीं हाँ तो फिर पोटेंशियल और कम हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर है म्हणजे काय प्रेशर अप्लाई नहीं केला म्हणजे मी प्रेशरच नाही अप्लाय केलं आता मी प्रेशर अप्लाय करतीये क्लियर आता जनरली असं झालं की सगळं एकदम निगेटिव्ह पोटेन्शियल गेलं तर मग झायलेम आहे ना की ते पाणी सगळीकडे पाठवत राहतात है ना सो झायलेम इज देअर विच विल हेल्प फ्लेक्सिबिलिटी
टू प्रिवेंट द फ्लॅसिडिटी. जोपर्यंत त्या झायलेमकडे पाणी अवेलेबल आहे तोपर्यंत, झायलेमकडे पण नसेल तर मग तो पण हेल्पलेस. कळतंय का? डिफिकल्ट नाही जाते ना, येतो आता सुरुवात आहे. हा तो बच्चा आहे का ना तब तक, तो जो नाही राहा तो क्या करेंगे, तो इट विल प्लाज्मोलाइज, वो मरी जाएगा. जेव्हा ओल्ड मरतोय, पूर्ण झाड नाही मरत आहे, ओल्ड त्याच्या एजिंग मुळे मरत. सिनेसन्स. ओके, गेटिंग दिस? सो प्रेशर पोटेंशियल इज आईपी, हो गया ये बहुत गाथा हो गई अभी इसकी. वॉटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सोल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल. द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलोज. हो गया ये वापिस से. ओके, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ऑस्मोसिस समझ लो. वापिस से इस पे आने वाली हूं मैं सेकेंड स्लाइड पे, सेकेंड सेशन में. अभी ये खत्म होता है. टू, द प्लांट इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल. एग्रीड? हाँ, यस. सो ये ट्रू? ओके. द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू वॉटर सब्सटेंसेस इन द सोल्यूशन. द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल. ओके, हेंस सेल वॉल इज नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट. सेल वॉल फ्रीली है, आओ जाओ घर तुम्हारा. ओके, फिर बैरियर कौन बनेगा? सेल मेम्ब्रेन. इन अ प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, क्या बोलते हैं उसको? टोनोप्लास्ट. ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. हाँ, याद का है हमको? याद है, गुड गर्ल. यस, इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल टूगेदर आर इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया एंड ये टोनोप्लास्ट वैक्यूल, जो बिग वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसका मेम्ब्रेन इज ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल. तो अगर लिस्ट देते हैं तुमको, विच आर द सिलेक्टिवली परमिएबल, और कुछ आया और तो आर्टिफिशियली सम सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन मेम्ब्रेन. यस, सो सेल मेम्ब्रेन एंड द टोनोप्लास्ट आर सिलेक्टिवली परमिएबल. बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर. ऑस्मोसिस इज अ टर्म यूज टू रेफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वॉटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हाँ चलो, अभी ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखो क्या है. नहीं तो वे हो जाएगा डिफ्यूजन. So anything, the one which is moving from its higher concentration to lower concentration, so diffusion. For water through. Ye through semi-permeable membrane is very, very important. Okay?
ये देखो यहाँ पे हुआ है ऑस्मोसिस, दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस वन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो मूवमेंट फ्रॉम, तुम्हारे एचएससी ने इसको और टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया है ये टॉपिक को, एनसीईआरटी ने बहुत लोड नहीं दिया ये टॉपिक का, एंड ये एचएससी तुमको 12th में है ये. लीना राजा, वॉटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है महत्वाचं. डिफ्यूजन ऑफ वॉटर अक्रॉस अ सेमी, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं आया तो वो डिफ्यूजन रहेगा, समझा? सेमी विदाउट एनी मेम्ब्रेन डिफ्यूज होता रहता है. Selectively, no partially. The net direction and rate of osmosis depend upon the pressure gradient and concentration gradient. ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक एक लाइन को समझ लो. अरे वाह, यस, अभी आगे का तो बहुत इंटरेस्टिंग है, डीपीडी, सक्शन प्रेशर. नहीं नहीं, एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब सोचो कितना कुछ है बॉटनी में भी. लर्निंग ऐसे समझना में इजी है. चलो, मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट थ्रू ऑस्मोटिक मोड दैट ऑकर्स ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मेटाबॉलिक एनर्जी. तो ये भी पैसिव एब्जॉर्प्शन हुआ. क्यों यहाँ पे एटीपी नहीं लगा? या पैसिव ट्रांसपोर्ट यू कैन से, प्लांट ले रहा है ना वो, इसीलिए एब्जॉर्प्शन. नहीं, पैसिव एब्जॉर्प्शन ही लिखो क्योंकि प्लांट ले रहा है, लिविंग बॉडी ले रही तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना. यस, कळलं का आहे? जाऊ पुढे. हाँ, तो वॉटर मूव इट फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल ऑल्सो. केमिकल पोटेंशियल दैट मीन्स अ कॉन्सेंट्रेशन ओनली टू अ रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम. At equilibrium, two chambers will have the same water potential. बरोबर? चलो, हा एक्सपेरिमेंट तुम्हाला 10th मध्ये होता. इफ द पोटॅटो ट्यूबर कंटेनिंग अ कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इज प्लेस्ड इन अ बीकर कंटेनिंग नॉर्मल वॉटर, द कॅव्हिटी इन द पोटॅटो ट्यूबर कलेक्ट्स वॉटर ड्यू टू ऑस्मॉसिस. हे पाणी आहे, इथे शुगर सोल्युशन आहे. हा देखो, इस पे लेबल कर देती हूँ मैं. तो ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस. हाँ, हो ओके. मम्मी लसला समझा ना ये. So, यहाँ पे पोटैटो इज एक्टिंग एज अ सेमी सेमी पर. चलो, अभी ये क्वेश्चन आंसर तुम्हारे एनसीईआरटी ने पूछे है. और वो खाली
Let us study the figure in which two chambers A and B containing solution are separated by semi-permeable membrane. These are the question. The solution of which chamber has a lower water potential? बोलो. The solution of which chamber? Clear ना? B में solute ज्यादा. वो B ना. ये solute है ना? ये solute दिया है ना यहाँ पे. तुम्हारे NCERT का ही same diagram यहाँ पे छापा है मैंने. लिखो वो NCERT में answers उसके. Which solution? B. Yeah. चलो फिर तुम सॉल्व करो. चलो ये क्या तुमको समझाए तो आ जाएगा. सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल? बी. सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? तुम तुम्हारा सॉल्व करो फिर मैं इधर दिखाती हूँ. फिर डाउट है तो पूछो. इक्विलिब्रियम में नो चेंबर विल हैव मोर बॉडी पोटेंशियल. ऐसा तो क्वेश्चन क्लियर कर दो ना. In which direction? E. So? Same water potential. What will be the direction of movement of water? If one chamber has minus 2000 kPa and the other minus, which is the that has higher? Figure likho na, figure likho. हाँ तो किलो पास कर. किलो पास करना 1000 मतलब लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल काय चुकलं? सेकंड मध्ये चुकलात ना? सभी
हाँ काय चुकलं होतं गार्गीन काय करेक्ट केलं सेकंड मध्ये एस होता ना बी सॉरी बी हाँ मग आता बी कसं काय कळलं Which chamber will have the lower at equilibrium both will be having same तो वो सेम इधर है फिर गार्गी नहीं नहीं ये समझा ना यहाँ पे बी क्यों चाहिए ए क्यों नहीं क्लियर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद साय डब्ल्यू एंड साय डब्ल्यू आर सेपरेटेड बाय सिलेक्टिवली बोलो अभी then two solutions so write from psi w 0.2 to psi w 0. ab kaha likha hai unhone juna 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 hai ha mhanu na navin pustak paije tumhara wo dikha mujhe ye notes wala dikha ye maine abhi module jo diya hai नहीं ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट अप्रोक्सी 90% इज सेम ये देखो इधर सब आंसर्स है तुम्हारे म्हणून म्हणते नवीन बुक घे तुला कितीदा सांगितलं मी आणि ह्याच्यावरच प्रश्न येईल आता प्रश्न येतो अशावरच म्हणजे नवीन ह्याच्यावर पण असे किती चेक करशील तू मग हो हा अकरावी हा तुमचा बारावी HSC म्हणजे HSC चे वी आर ऑन कितवा चॅप्टर एंडोक्राइन गुड तो ये यहाँ पे दिया देखो 0.2 से 0.1 बराबर ना क्यों अगर मैं दोनों को माइनस साइन दे दू तो आया ना समझ में यू भाई 416 बोर हो गए क्या हाँ तो बोर हो गए तो बोलो तो ऐसे बोर नहीं होना है ना तो फिर समझेगा ना हेरिटेज वॉक चलो थीसल फनेल एक्सपेरिमेंट मिला यस दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस ओके अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज टेकन इन द थीसल फनेल ये फनेल में लिया है सुक्रोज का सॉल्यूशन okay which is separated from a pure water in a beaker through semi permeable membrane isko semi permeable membrane ke sath separate out kar diya right
ओके फिर क्या हुआ? वो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। नहीं ये पिस्टन का छोड़ो अभी, ये तो इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो क्या होगा? वाटर की लेवल यहाँ पे बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ना, तो ये वाटर की लेवल यहाँ पे बढ़ गई तो मतलब ऑस्मोसिस हुआ। ओके यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ। क्या दिया है ए में देखो, वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन एज शोन बाय एरोज टू रेज द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द फनल। ये एरो क्यों दिखाया? यहाँ पे वाटर का लेवल इधर तक था तो वो अभी इतना बढ़ गया, या जिधर तक था इधर तक था तो वो इतना बढ़ गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ऑस्मोसिस हुआ, राइट? बी में क्या दिया देखो, प्रेशर कैन बी अप्लाइड एज शोन टू स्टॉप द वाटर मूवमेंट इन टू द फनल। अभी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है, पिस्टन डाला है, प्रेशर अप्लाई किया है, प्रेशर अप्लाई किया तो पानी अभी, तो दिस इज कॉल्ड एज, ये पूरा जो है यहाँ, ये जो दिखा है ना यहाँ पे दिया है ना इसे प्रेशर बाय पिस्टन, तो दिस इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर पे वाटर एंट्री बंद हो गई, कहाँ पे वाटर एंट्री बंद हो गई, उतना इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? लिखो अपनी लैंग्वेज में। नहीं हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, फार्मेसी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, एग्रीकल्चरल, फिशरीज, ये सब वो अलग वेलोसिटी। ये समझा है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर समझा क्या? हाँ लिखो, क्या लिखोगे लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर तो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना प्रेशर अप्लाई किया उसमें ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। हाँ तो अभी मुझे मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैं प्रेशर कितना डाला मैंने वो मेजर कर सकती हूँ क्या? नहीं। लेकिन मैंने 5 मोलार अगर सोल्यूट डाला है तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी 5। या ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब अगर 5 वोल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, देन द प्रेशर अप्लाइड विल बी 5। अब यू सी कि डिफिकल्ट कौन सा है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में। 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा वहां पे कुछ दिया नहीं उन्होंने। इसे यूनिट कुछ दिया नहीं है। हाँ पास्कल इज अ प्रेशर का यूनिट होंगे। ओके, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किस में रहेगा मुझे बोलो। मैंने अभी ये प्लांट्स लिए देखो, हाइड्रोफाइट्स लिए मैंने, हाइड्रोफाइट्स आगे करने दो मुझे, हाइड्रोफाइट्स लिया, फिर मैंने लिया
मेजोफाइट्स, फिर मैंने लिया जेरोफाइट्स, या फिर मैंने लिया हेलोफाइट्स। तो मैक्सिमम ऑस्मो तो तुमको समझाना है कशाला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर मैंने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अभी लॉजिक है ना, इधर डायग्राम दिया ऑस्मोटिक प्रेशर मेंशन किया। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, लिखो, ये लॉजिक है ना ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे आएगा हाइड्रोफाइट्स, हमने प्लांट किंगडम में किया, अभी इकोलॉजी में आएगा, वो इसमें आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ओवरऑल सिलेबस। हाँ कहीं ना कहीं तो हाइड्रोफाइट मेसोफाइट जेरोफाइट्स आएगा। क्या लिखा मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल, लिखो ये एनसीईआरटी नहीं दिया है तो ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है। नॉर्मली सब मेसोफाइट्स राइट डाउन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एनीथिंग। असेंडिंग कैसे लिखोगे, यही असेंडिंग हो गया ना, तो हेलोफाइट्स में ज्यादा आएगा, सबसे कम हेलोफाइट्स, एंड जेरोफाइट्स में तो पानी नहीं होता है। हाँ फिर तो फिर वो तुमको नीट में क्या पूछेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, मोर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड, जो मैंने यहाँ पे एक लाइन में बोल दिया, दिखा तुमको, हाईलाइट किया उसको, मोर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है क्या, 181 का सेकेंड पैराग्राफ देखो, नीचे वाले सम लाइन्स, मोर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वॉटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग। न्यूमरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बट द साइन इज अपोजिट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू सोल्यूट पोटेंशियल। हे जे सगळं समजलं त्याला हायलाईट करा, आणि तुमच्या शब्दातल्या काय काय कळलं ते मला सांगा। क्या समझा, कुठला मारायचा, मोर द कॉन्सन्ट्रेशन, मोर द ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर द सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेटर द ऑस्मोटिक, या ग्रेटर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वॉटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग। न्यूमरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ओके, बट द साइन इज अपोजिट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव एंड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, साइन चेंज हो जाए, कळलं का। हे लिहा तिथे ऑस्मोटिक प्रेशर आणि हे लिहा म्हणून हायड्रोफाइट मेजोफाइट अँड झेरोफाइट, कारण तिने तिथे दिलाय म्हणून तुम्हाला लॉजिकली कुठला प्लांट किंगडम जास्त ऑस्मोटिक प्रेशर कॅरी करेल ते कळलं पाहिजे। नहीं फिर वो बाकी मेजोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट को तो पानी लगता है ना,
एंजियोस्पर्म मेजोरिटी और मेसोफाइट्स नहीं है. ये देखो हाइड्रोफाइट मेसोफाइट जीरो. बाकी प्लांट किंगडम मेसोफाइट एंड हाइड्रोफाइट ही है. हेलोफाइट्स आर डिफरेंट. ये समझा क्या? आगे जाऊं? चलो. सो वॉटर विल मूव इन टू द फनेल रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ फनेल सोल्यूशन इन द फनेल. And this will continue till equilibrium is attaining. External pressure can be applied from upper part of the funnel. No water diffusion. Okay, so that is osmotic pressure. So this pressure required to prevent water from diffusing is a osmotic pressure. More the solute, greater will be the pressure. And म्हणून halophytes आले. पानी एक बग तक मगे बॉटल एक बग रे हम ओपन कर नहीं मिनरल है नहीं है बस. आना का वरती पे पानी घून शको गा ठीक है. इतना होने दो फिर मेरा ये स्लाइड खत्म होगा फिर मैं इसको ये करती हूँ. ये समझा ना सर? न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज निगेटिव. ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज दिस. Solute potential is this. Solute potential is negative. So osmotic potential is negative. ठीक है? वाचा एनसीईआरटी लक्षण आहे काही नाहीये. आणि हा क्वेश्चन दिला इन केस सुक्रोज डज नॉट डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन विल दिस इक्विलिब्रियम एवर बी रीच्ड. इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू मेम्ब्रेन विल दिस इक्विलिब्रियम एवर बी रीच्ड. येस एंड दैट इज कॉल्ड लिखो वहां पे येस एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन इक्विलिब्रियम. And that is a solution equilibrium. हाँ तो भी वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा. यस तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो वो सोल्यूशन इक्विलिब्रियम रहेगा. हाँ चलो उसको समझा. उसको नहीं समझा बोल उसको. डिफ्यूज कब होगा? जब उस पर पोर्स आ जाए.
समझाना स्टूपिड क्वेश्चन। चलो तो अभी थोड़ा रिलैक्स करो, मैं भी रिलैक्स करके आती हूँ।